Friends, today I'm talking about differential gear mechanism. Differential gear mechanism. हम सब अक्सर देखते हैं कि जो भी फोर व्हीलर्स एट व्हीलर्स मीन्स कि जो भी हैवी व्हीकल्स है बस ट्रक एक्सेप्ट टू व्हीलर्स इतने सारे व्हीकल्स हैं सभी व्हीकल्स के अंदर जो हम लोग देखते हैं जो रियर व्हील जो होता है व्हीकल का पिछला दो व्हील उस दोनों के बीच एक इस तरह का शेप होता है जो डिफरेंशियल गियर कहलाता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि ये जो है एक ये हमारा व्हीकल है, ठीक है, ये एक्सल है, ये फ्रंट एक्सल हुआ, ये रियर एक्सल। तो रियर एक्सल पे जो है ये हमारे इंजन से जो है प्रोपेलर शाफ्ट कनेक्ट होते हैं और ये जो हमारी रियर एक्सल है यहाँ पे डिफरेंशियल गियर लगे होते हैं और डिफरेंशियल गियर से कनेक्ट होते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। तो मैं यही डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये जो डिफरेंशियल गियर्स होते हैं डिफरेंशियल गियर मैकेनिज्म यू वो है क्या एक्चुअली में। ये जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंशियल का नाम ही यहाँ से ओरिजिनेट हुआ कि डिफरेंट पावर देना लेफ्ट वार्ड या राइट वार्ड। लेफ्ट यदि गाड़ी व्हीकल मूव कर रहा होता है कभी स्ट्रेट लाइन चल रहा हो तो सही है, वहाँ डिफरेंशियल गियर का अप्लीकेशन नहीं होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। लेकिन जब हमारी गाड़ियाँ व्हीकल्स टर्न लेती हैं मीन्स जब हमारी व्हीकल स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक, अगर लेफ्ट वार्ड जाना हो तो वहाँ जो हमारी इनर व्हील है मीन्स कि ड्राइवर के साइड, जैसे राइट वार्ड मूव कर रहा हूँ तो जो राइट वार्ड हमारा राइट वार्ड इनर हो गया राइट व्हील और ये हो गया लेफ्ट व्हील। तो हम कह सकते हैं कि जब हम मूव करते हैं व्हीकल्स को तो ये जो व्हील है ये इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है मीन्स कि और ये जो आउटवर्ड मतलब लेफ्ट व्हील है वो लेफ्ट व्हील जो है वो इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ इसी को मतलब लेफ्ट और राइट दोनों व्हील्स को बैलेंस एक्चुअल में ये बैलेंस के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंशियल गियर को। तो डिफरेंशियल गियर जो है ये बेसिकली वर्क कैसे करता है मैं इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। तो ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट आपको दिख रहा होगा, ये मैं प्रोपेलर शाफ्ट जो हाँ जो ये दिखा रहा हूँ प्रोपेलर जो ये है प्रोपेलर शाफ्ट जो हमारी इंजन से कनेक्ट होती है, ठीक है ना। तो ये इंजन से कनेक्टेड होती है तो ये प्रोपेलर शाफ्ट और ये जो है हमारा रिंग गियर है रिंग गियर। तो रिंग गियर प्रोपेलर शाफ्ट कनेक्ट होंगे रिंग गियर से और रिंग गियर जो है वो कनेक्ट होते हैं ये हमारी एक केज होती है केज जो प्लानेट गियर और पिनियन गियर प्लानेट गियर और पिनियन गियर एक्चुअली में ये एपिसाइक्लिक गियरिंग होती है जो इस तरह की शेप होती है। जैसे ये हम कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा रिंग गियर, ये हो गया हमारा सन गियर इस तरह से हम कह सकते हैं, ये हो गया रिंग गियर, ये हो गया हमारा प्लैनेट, तीन प्लैनेट गियर लगे होते हैं और एक सन गियर।
तो यही ये जो मैकेनिज्म है यो यहाँ अंदर सेट होता है। तो ये रिंग गियर प्रोपेलर शाफ्ट से जब रिंग गियर में कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पावर आती है, तो टॉर्क ट्रांसमिट होती है यहाँ। तो यहाँ ट्रांसमिट होने के बाद ये जो कनेक्ट होता है केज, केज जो है और केज कनेक्टेड होते हैं ये पूरी बाइसाइक्लिक गियरिंग से। तो यहाँ जो है हमारा जब जब हम जब व्हीकल चल रही होती है और यहाँ से पावर जो है कंटिन्यूस आ रही होती है, तो जब यहाँ से पावर आ रहा होता है तो ये तो यहाँ लेफ्ट जब हम मूव करते हैं अपने व्हीकल्स को तो यहाँ लेफ्ट लेफ्ट इन इनर व्हील जो है वो इसकी स्पीड कम हो जाती है और इसकी साथ स्पीड जो है वह ज़्यादा हो जाती है। तो कहीं इसके जो नेसेसिटी और हमारे जो ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो व्हील है जो इनर व्हील जो एक्चुअली में लॉक जैसी हो जाती है। अगर ये अगर रिंग गियर सॉरी अगर डिफरेंशियल गियर यहाँ नहीं होता है, नहीं यूज़ करते हैं, तो ये शाफ्ट पर ज़्यादा लोडर पड़ सकती है, शाफ्ट क्रैक्ट हो सकती है, शाफ्ट जो है वो प्रॉपर वे में व्हील मूव नहीं कर सकती है। इस वजह से जो है हमारा यहाँ लगाया गया ऐसा डिफरेंशियल गियर मैकेनिज्म का यूज़ किया गया। डिफरेंशियल गियर मैकेनिज्म जो है हमारा वो वर्क करता है बैलेंस, मींस कि अगर लेफ्ट वार्ड जा रहा है तो राइट वार्ड, राइट वार्ड तो लेफ्ट वार्ड, इसके बीच जो है ये जो मैं बताया एपिसाइक्लिक गियरिंग होती है उसका मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है। जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे मूव कर रही है हमारी व्हीकल्स इस तरह से व्हीकल मूव कर रही है, ये हमारा शाफ्ट हो गया रियर,